सर क्या बोलेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर और एनकाउंटर वाली पॉलिटिक्स चल रहे हैं। अखिलेश यादव हमलावर हो रखे थे योगी जी के ऊपर, आज राहुल गांधी ने भी हमला किया है योगी जी के ऊपर। बोला योगी जी जो है वो सरकार नहीं चला रहे, गिरोह चला रहे हैं, ठोको नीति चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फर्जी एनकाउंटर जो मंगेश यादव का किया है, क्या बोलेंगे जो राहुल गांधी ने एलिगेशन लगा दिया अखिलेश यादव के बाद? आपने इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग से, इस देश के विपक्ष के मुँह से बहुत बार एक बात सुनी होगी कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जिस अपराधी पर कार्यवाही हो जाए उसका धर्म बड़ी जल्दी ढूंढ लाते हैं विपक्ष वाले। अखिलेश यादव बोले धर्म नहीं जात देख रहे हैं, बोले यादव जात का है। बताता हूँ, जाति धर्म में बांटना कांग्रेस का कोई ये नई नीति नहीं है। आप ये बताइए, कांग्रेस का इतिहास इस चीज का गवाह है, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जातिगत जनगणना के नाम पर, ठीक है, जातियों के अंदर बांटने के नाम पर हमेशा से कांग्रेस ने पॉलिटिक्स करी, ठीक है। तो आज कोई नई बात नहीं कर रही है कांग्रेस इसके अंदर। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई की जब आप बात करते हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप पत्रकार हैं, मैं ये समझता हूं जब आप अपनी ये माइक लेकर के आए हैं तो मेरे मानने के अंदर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होगा। मैं इसी पढ़े लिखे व्यक्ति से एक बात पूछता हूं, आप इस देश के अंदर एक योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके एक आधा लीडर का एग्जाम्पल मेरे को और दीजिए जिस लीडर ने रेपिस्टों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कानूनन कार्रवाइयों से या कानूनन कार्रवाइयों को और स्टिक करने की एवज के अंदर, ठीक है, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट 70 सालों में दिया हो। कोई एक उदाहरण नहीं बन करके आया। हमेशा से देश की पब्लिक की ये डिमांड रही कि भैया ये जो रेपिस्ट हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई शुरू की जाए, ये जो दंगाई हैं इनको कंट्रोल करने के लिए अभी तक का जो हमारा लचीला कानून है ये इनफ नहीं है। लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हो पाती थी, क्योंकि चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हों चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हों, कहीं ना कहीं पर चुनावों के समय में जातिगत समीकरण वहां पर उस समय पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते थे। तो किसी को भी कोई नाराज ना हो जाए इस चीज को सोचते हुए वो एक किस प्रकार के स्टेप नहीं ले पाते थे। एकमात्र व्यक्ति ने हिम्मत करी योगी आदित्यनाथ ने कि एक स्टेप आगे बढ़ करके कि आप जो लीगल कार्रवाई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में अगले की जो इलीगल प्रॉपर्टी है उसको भी ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया गया। तो ऐसे के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हो जाता है, आज विपक्ष भी पूरा खड़ा हो जाता है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या अन्य जितने भी विपक्षी लीडर्स हैं इनके सबके, इन सबको बर्नौल की आज आवश्यकता पड़ने लगती है, क्योंकि इनके पिछवाड़े में आग लगनी शुरू हो गई कि कोई आदमी कैसे रेपिस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस लेवल पर जा सकता है। हमारी तो पॉलिटिक्स का दायरा ही वही बना हुआ था ना, हमारी तो देश की राजनीति का स्तर ही यही था, कोई भी नाराज ना हो जाए हमसे, कांड चाहे कितना बड़ा मर्जी हो जाए। लेकिन आज जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ये कहते हैं कि कांड करोगे तो कोई नाराज हो तो हो, कार्यवाही पहले करूंगा। तो बर्नौल की जरूरत, इनको आवश्यकता पड़नी वाजिब थी, लाजमी थी। क्या बोलेंगे सर, बहुत संगीन आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के ऊपर, योगी जी के ऊपर, कि फेक एनकाउंटर हुआ, फर्जी एनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर में। देखिए, सुल्तानपुर में जो हुआ, मंगेश यादव नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, 10-11 मुकदमे चल रहे हैं। ज्वेलरी की दुकान में उसने लूटपाट करी, उसके पास एक पिस्टल और तमंचा भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ में उसके गोली लगी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। हम कह रहे चलो वो यादव था, आपको इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है? आप जब कहाँ थे जब नू मेवात में कलावा देख देख के बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को मारा जा रहा था जल अभिषेक में, तब आप कहाँ थे? आज एक यादव मारा गया तो आपको इतना दर्द हो रहा है? अरे भाई, गांधी बोल रहे कि अखिलेश यादव आपके योगी जी ठोको नीति चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, धज्जियाँ उड़ा रखी है संविधान की, एक गिरोह चला रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं, एक गिरोह चला रहे हैं। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं जिन्होंने 24-24 वकील खड़े कर दिया राम मंदिर के विरोध में। ये पहले अपने पिताजी से पूछे, अपने बाप दादा से पूछे कि इन्होंने क्या किया है। आज ये भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कहीं से इनकी सरकार नहीं बन रही है। हम कह रहे हैं एक सभासद बन जाते तो भी ये होता कि राहुल गांधी कुछ तो बन गए। भाई, उत्तर प्रदेश में अगर गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगी, चाहे वो यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो, मैं तो जाति धर्म नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप गलत करोगे और बिल्डोजर भी चलेगा, अगर आप किसी की जगह कब्जा कर रहे हो, सरकारी जगह कब्जा कर रहे हो, किसी गरीब के मकान को कब्जा कर रहे हो, तो बिल्कुल बिल्डोजर चलेगा, निश्चिंत चलेगा। और दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी काम नहीं कर पा रहे, 2029 में अगर भारतीय जनता पार्टी योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा करेगी तब तो मैं वोट दूंगा, अन्यथा मैं वोट नहीं दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, अगर योगी जी को प्रधानमंत्री की जगह नहीं खड़ा किया। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से। अपने चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सपना है हमारा, वो बनेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि अब मोदी जी कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा जरूरत है योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में लाने की। जब तक वो दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठेंगे देश नहीं बदलेगा।
और देश नहीं बदल सकता जब तक योगी आदित्यनाथ अपना बिल्डोजर लेके दिल्ली नहीं आ जाते। बिल्कुल उनको दिल्ली बुलाना है, 2029 में उनका स्वागत है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है इन ए लॉ पर्सपेक्टिव यू नो टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगर योगी जी जो कार्य शुरू किए हैं, जो मिशन शुरू किए हैं, अगर वो नहीं करते तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो शांत दिख रहा है, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में भारत ही नहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा विध्वंस वाले राज्य होती, समझे। और 17 से पहले स्थिति थी समाजवादी पार्टी के, ये लोग तो गुंडों की पार्टी है, ये तो मतलब हमें तो कहने में भी शर्म आता है इस नाम से। ये कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हूँ, अखिलेश यादव, इसको थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ी सी भी ABCD नॉलेज नहीं है लॉ की। और जो है इससे आप किसी भी इशू पर, किसी भी इशू पर इससे बहस कर लीजिए, ये ही हैज बीन ब्रीफ्ड एंड व्हाट एवर ब्रीफ्ड ही इज जस्ट अल्टरिंग द वर्ड फ्रॉम माउथ, जो माइंड में डाल दिया वही बोलते हैं, वही, अदरवाइज ही इज ए नील माइल। जिस तरह से बिहार में हालत है वही तो, अरे भैया पढ़ लिख लो, अपना सिस्टम से चलो, और तुम जो है अपने को समाजवादी कहते हो, कौन सा समाजवादी तुम इससे अच्छा तो राजतंत्र था, तुमने तो राजतंत्र में भी एक लोकतंत्र था, तुमने लोकतंत्र में राजतंत्र समेट दिया है, घुसा दिया है, है ना। 5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 12 से 17 तक पूरे यूपी का बोला जाता है विकास किया ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, राजा का बेटा फिर राजा बन जाए तो उसी को राजतंत्र कहते थे। यहाँ लोकतंत्र के नाम पर, समाजवाद के नाम पर बाप भी राजा बना, मुख्यमंत्री बना, बेटा भी बना, माँ भी बनी, बाप भी बना, भाई भी बना, ताऊ भी बना, चाची भी बनी, बीबी भी बनी, ये कौन सा भाई समाजवादी पार्टी है। मैं एक सवाल पूछूंगा आप, क्योंकि आप खुद लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इसको कैसे देखते हैं जो बुलडोजर की कार्रवाई है या चाहे वो इनकाउंटर पॉलिसी है, योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उसको कैसे देखिए। बुलडोजर जहां भी चला है, मैंने पर्सनली रिसर्च किया इस पर, कि कोई भी ऐसा जो इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड था, जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इलिसिट काइंड ऑफ जो उसका वो था, तो उन्हीं लोगों पर बुलडोजर चला है। हाँ, कहीं भी किसी पर ऐसे नाम लेकर बुलडोजर नहीं चला है कि हाँ ये जात है, इस धर्म का है ये, तो उस पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यादव और मुसलमानों पे इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चल। अरे वो आदमी सेंसलेस इंसान है, सेंसलेस है वो 100%। राहुल और ये अखिलेश जो है सेंसलेस है, और उस दोनों का मिशन एक ही है, भारत को ख़त्म करो, टुकड़े टुकड़ों गैंग में बांटो, मुसलमानों का एक और पाकिस्तान बनाओ, और ये और ममता ये लोग कौन है, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सुपरवाइज लीडर्स हैं, इनका काम ही है। और जो 6 बिलियन रुपीज जो जॉर्ज सोरेस ने अमेरिका से भेजा है, इन लोगों के भी खाते में गया है, इन लोगों के भी सिस्टम में गया है कि देश को डिस्टर्ब करो, भारत को तोड़ो, मोदी को तोड़ो, हिंदुत्व को ख़त्म करो, ये उन्हीं के डिजाइन में ये लोग सब काम कर रहे हैं, उन्हीं के जॉर्ज सोरेस के डिजाइन में ये लोग काम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं योगी जी को एक एज ए चीफ मिनिस्टर, उनको 7-8 साल हो गए, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश है, तो कैसे देखते हो? भारत का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। हाँ, और उनको अगर मोदी जी के बाद अगर किसी को मिलनी चाहिए पदवी, हाँ, तो योगी आदित्यनाथ जी को मिलना चाहिए, और ताकि देश जो है एक सबल और प्रबल हाथ में रहे। और हमारे जो बिकॉज देखिए भारत का विभाजन जो हुआ है उसका अभी तो अनफिनिश्ड एजेंडा है, अनफिनिश्ड एजेंडा है ना, तरीके से अनफिनिश्ड एजेंडा, अनफिनिश्ड इसलिए है कि भारत को तो आपने बांट दिया मुसलमान और हिंदू कहकर, धर्म के नाम पर बंटवारा किया, और भारत के जितना भी आपने देख लिया कि पॉपुलेशन के अनुसार जो है उतना लैंड दे दिया, रिसोर्सेज दे दिया, जमीन जगह पैसा रुपया सब कुछ दे दिया आपने, फिर जब आपने सब कुछ देकर अलग कर दिया, दो भाई को आपने कहा कि हम अलग अलग रहेंगे, हम पार्क लेंगे, हम मकान लेंगे, तो भैया तुम ले लिया, उसके बदले कंपनसेशन भी ले लिया, तो फिर लेने के बाद फिर क्यों रुक गया, इधर क्यों रुक गए, और फिर रुक जाने के बाद फिर अपनी जो आबादी को बढ़ाकर फिर एक नया, तुम बंग देश चाह रहे हो, उधर केरल देश चाह रहे हो, इधर झारखंड बिहार को मिलाकर अलग अलग देश है, इधर नॉर्थ ईस्ट को मिलाकर आप एक अलग कह रहे हो कि भारत का टुकड़ा काट काट कर जो पिकॉक नेशन बनाना है, समझे ना। सो
like that, what I'm trying to, it's an unfinished agenda. Modi should decide on it, और पूरे world conference बुलाना चाहिए कि जब agreement unfinished agenda को league जो है उसने ये कहा था कि हमारा एक भी मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, तो जब भैया एक आपने उसको agreement अलग है, संस्कृति अलग है, संस्कृति खान पान रहन सहन सब कुछ अलग है, सारा चीज उल्टा है, तो हम उल्टे लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा ना मुस्लिम लीग के जो प्रधान थे जिन्ना साहब, तो भैया जब आप नहीं रह सकते तो फिर क्यों छोड़ दिए, तो इस अनफिनिश्ड एजेंडा हुआ कि नहीं हुआ, एक एजेंडा जो देश में दुनिया में चलाया गया कि धर्म के नाम पर हमको अलग होना है। आप अलग हो लिए, सब कुछ ले भी लिए। वापस मैं सर मुद्दे पे आऊँगा, अखिलेश यादव ने जो ये आरोप लगाया उसके बाद आपको लगता है श्रद्धांजलि देने गए उनके घर पे सपा के नेता, वो मुंगेश यादव जो एक डकैत है, 1 लाख इनामी डकैत है, कहीं ना कहीं ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं देता है कि एक डकैत के साथ पूर्व राष्ट्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी एक साथ दे रहे मुंगेश यादव, इससे उसका तो वोट बढ़ जाता अगर वो बेचारी डॉक्टरनी जिनके साथ रेप और हत्या हुआ बंगाल में उनके घर चले जाते, वो बंगाल जाकर ट्रिब्यूट दे देते, तो वो डकैतों के साथ जो जाकर फोटो खिंचा रहे हैं उनको कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा उनका वहाँ पर एप्रिसिएशन होता। आप समझ रहे हैं कि ये लोग मानसिक रूप से विचिप्त हो गए हैं, इसीलिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो मैम दोबारा मैं अवसर बोल पूछूँगा आपसे, क्या बोलेंगे अब ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की जोड़ी ने अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो सवाल उठाए हैं उसके बाद क्या लगता है कहीं कहीं थोड़ा सा बैकफुट पाए योगी आदित्यनाथ? पत्रकार महोदय देखिए, पहली बात तो ये जो माफिया हैं ये सब ऐसे मिट्टी में मिलते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है वो पीछे हटने वाली नहीं है। मैं शासन प्रशासन को भी भाई दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन प्रशासन काम कर रहा है, मगर हाँ बीजेपी में अभी अब कुछ कमियाँ आने लगी हैं, कुछ नेता हैं जो थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी में योगी जी पूर्ण तरीके से आगे आ चुके हैं, अब वो सत्ता को देख रहे हैं किस तरीके से उनको काम करना है। विपक्ष का काम हमेशा है कि जो भी अच्छा काम होगा भारत के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए उस पर उल्टा सीधा टिप्पणी करना। अभी आपने देखा हाथरस में हुआ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव डिम्पल यादव सब पहुँच गए, और अयोध्या में अगर कोई कांड होता, किसी बच्ची का रेप होता तो कोई नहीं जाता, वहाँ पर अभी भी कोई नहीं पहुँचा भाई साहब। ऊपर से डीएनए की टेस्ट, पत्रकार महोदय, और डीएनए की टेस्ट मांग रहे हैं, उसके घर वालों को 2000 रुपये दे के रफा दफा कराने की बात करी केस, ये सब भाई अखिलेश यादव राहुल गांधी इन्होंने शुरू से किया गया है, भारत को बरगलाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।